हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एम हाई ट्यूटोरियल्स इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ क्लास 9th और 10th के इंग्लिश ग्रामर एनसीईआरटी के एक चैप्टर डिटरमिनर्स को डिस्कस करने वाली हूँ। इस सेशन में हम ये जानेंगे कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, मीन्स द डिफिनेशन ऑफ डिटरमिनर। देन वी विल कम टू नो कि इनका यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। डिटरमिनर्स, actually we can write a word here, determine, determine का मतलब होता है निश्चित करना। ठीक है, suppose you have been given a question and there you have been given two alternatives, means those alternatives are to be the answer and the question is framed like, determine which of the option is करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके लिए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा सही है, ये आपको निश्चित करना है। निश्चित करने का मतलब यहाँ क्या हुआ, टू पॉइंट आउट, टू पिक आउट। ठीक है, इन द सेम वे डिटरमिनर्स हेल्प अस टू पॉइंट आउट टूअर्ड्स समथिंग, एंड वॉट इज दैट थिंग, दैट थिंग इज नाउन, बिकॉज डिटरमिनर्स आर ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। या तो वो नाउन के पहले यूज़ होते हैं या फिर नाउन फ्रेज के पहले यूज होते हैं, एंड दे लेट अस डिटरमाइन व्हाट इज द नंबर ऑफ नाउन या व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ नाउन टोल्ड देयर। वहाँ जिस भी सेंटेंस में अगर किसी नाउन या नाउन फ्रेज के पहले डिटरमिनर आता है तो वो हमें ये बताता है कि जो नाउन वहाँ पे यूज हुआ है या फिर नाउन फ्रेज यूज हुआ है उसकी क्वांटिटी क्या है, हाउ मच इट इज़, और उसका नंबर क्या है, हाउ मेनी इट। ठीक है, चलिए लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ इट। अ वर्ड दैट कम्स कम्स बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज and shows how the noun is being used। ठीक है, a word that comes before a noun or a noun phrase, एक ऐसा शब्द जो noun या noun phrase के पहले आता है और ये दिखाता है, ये बताता है कि noun कैसे use हो रहा है, means it tells, we can write here, it tells how many and or how much। ठीक है, अब ये how many और how much का क्या मतलब है। how much means the number of noun that is told there or the quantity of noun that is told there। तो how many represents number and how much represents the quantity। नंबर मतलब हो गया संख्या और क्वांटिटी मतलब हो गया मात्रा। जैसे इफ आई से वाटर, ठीक है, वाटर कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या हम वाटर के लिए क्या कह सकते हैं, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द ग्लास, ग्लास में कितना पानी है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्राउंड, ग्राउंड में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये नंबर जो शो करता है वो क्या है हमारे लिए, वो हाउ मेनी से ही हम क्वेश्चन अराइज करते हैं, और हाउ मेनी से जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं उनका आंसर हमेशा किस में आता है, वो हमेशा नंबर में आता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड। द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव इज शी इज अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी स्टूडेंट है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द नाउन हियर, सो द नाउन वर्ड हियर इज स्टूडेंट, और इसके पहले ये जो गुड आया, दिस टेल्स अबाउट द क्वालिटी, सो इसे हम कह सकते हैं इट इज अ नाउन फ्रेज, बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि नाउन फ्रेजेस वो होते हैं जब हम किसी नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए वहाँ मोर देन वन वर्ड जो है वो एक साथ असेंबल हो जाता है, आ जाता है, दैट इज अ नाउन फ्रेज। यहाँ और जो है ये क्या करता है, ये किसको क्वालिफाई करा रहा है, इट इज क्वालिफाइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ये पर्टिकुलर जो पार्ट है गुड स्टूडेंट, इसे ही ये क्वालिफाई कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा जो डिटरमिनर है वो क्या है, अ है। ठीक है,
इसके बाद दोज बॉयज आर शाउटिंग, वे लड़के चिल्ला रहे हैं. सो लेट्स फाइंड आउट द नाउन हियर. सो नाउन हियर इज बॉयज, और बॉयज के जस्ट पहले जो एंटीसिडेंट वर्ड है दैट इज दोज. सो विच वर्ड दिस दोज इज क्वालिफाइंग, इट इज अ नाउन. सो दिस इज द डिटर्मिनर हियर इन दिस सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉन्ट्स टू बाई माई कार. माई कार, ही प्रोनाउन, वॉन्ट्स वर्ब, टू इज अ प्रपोजिशन, बाय इज अ वर्ब, माय इज अ पजेसिव प्रोनाउन एंड कार इज अ नाउन. सो कार हियर इज अ नाउन वर्ड, और इसका एंटीसिडेंट जो वर्ड है दैट इज माय. सो माय इज क्वालिफाइंग हियर द वर्ड कार, दैट्स व्हाई माय इज हियर द डिटर्मिनर. नेक्स्ट है आई हैव रेड फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं. इसमें हमें नाउन वर्ड ढूंढना है. अभी आई इज प्रोनाउन, हैव ये तो एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, रेड इज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, फ्यू इज हियर, इट इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटी द नंबर, एंड हियर बुक्स, बुक्स इज अ नाउन, और इसका एंटीसिडेंट फिर से दिस फ्यू इज द एंटीसिडेंट, दैट्स व्हाई दिस इज द डिटर्मिनर हियर इन दिस सेंटेंस. अब बात आती है ये कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स चारों सेंटेंसेस में मैंने यूज किए, जिसमें एक है अ, दोज, माय और फ्यू, ये सभी के सभी डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है. तो हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? हम इन्हें पहचानेंगे इजीली, बिकॉज मैं अभी आपको टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स भी बताने वाली हूँ. लेकिन सबसे पहले हम एग्जांपल्स में कुछ और छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं. जैसे यहाँ आर्टिकल अ लगा हुआ है, वी नो दैट देयर आर थ्री आर्टिकल्स, अ एंड द. तो यहाँ अ लगा हुआ है, शी के बारे में बात करें मीन्स शी इज अ सिंगुलर वर्ब, अदरवाइज यहाँ दे हो जाता, वी हो जाता, यू हो जाता, इसलिए यहाँ अ लगा है. गुड स्टूडेंट, एक अच्छी स्टूडेंट है, दैट्स व्हाई हियर इज अ. दोज इज अ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है. दोज क्या है? एक डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड है, लेकिन यहाँ पे ये डिटर्मिनर है. ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये डिटर्मिनर कैसे है, व्हाई इट इज़ नॉट सेड टू बी एज अ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और अ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है ये. इसके बाद ही वॉन्ट्स टू बाई माई कार, वो मेरी कार खरीदना चाहता है. माई इज अ पजेसिव प्रोनाउन. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस आपको थोड़ा सा प्रोनाउन भी देखना होगा, बिकॉज कि जैसे हम जब प्रोनाउन के केसेस को चेंज करते हैं तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, तीन केसेस हो जाते हैं. तो आपको मेन पजेसिव केस पे ही फोकस करना है. यहाँ पे ये जो माई है, दिस इज अ पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, और ये किसका है? आई का है. ये तो सिंपल सी बात है, सभी को पता होगी. आई हैव रेड फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं. यहाँ पे जो फ्यू है, बिकॉज बुक्स कैन बी काउंटेड इन नंबर, तो यहाँ पे ये जो फ्यू है ये क्या बताता है? बुक्स के नंबर को बताता है. अगर मान लो कितनी भी बुक्स हो जाए, फ्यू हो या बहुत सारी हो, तो क्या हम उसे गिन सकते हैं? यस, डेफिनेटली गिन सकते हैं. लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि सैंड है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, ऑयल है, क्या उसे हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, दैट कैन बी ओनली मेजर इन अ क्वान्टिटी. उसे हम एक अमाउंट, एक क्वान्टिटी में मेजर कर सकते हैं, हम उसका कभी भी डेफिनेट नंबर नहीं बता सकते. यहाँ पे ए और एन जो है ये क्या करते हैं? दे आर कॉल्ड टू बी इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ये दोनों होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं. इनडेफिनिट आर्टिकल्स इन द सेंस कि जैसे ये किसी स्पेसिफिक के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन एक्चुअली ये डेफिनेट नंबर को बताते हैं. अगर नंबर की बात करें तो ए या एन अगर आप किसी के भी पहले लगा देते हैं तो अ और एन मीन्स वन इन नंबर, अ या एन लग गया मतलब एक ही है वो. लेकिन इनडेफिनिट इसलिए कहते हैं, इसे आर्टिकल के रूप में ये इनडेफिनिट इसलिए है बिकॉज इट डज नॉट टेल अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, इट डज नॉट टेल अबाउट अ स्पेसिफिक नाउन, बट येस इट टेल्स अबाउट अ नाउन दैट इज वन इन नंबर, वो एक होगा, देन ओनली वी कैन यूज द आर्टिकल ए और एन. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. अब हम ये देख लेते हैं कि डिटर्मिनर्स का यूज कैसे करेंगे, क्या डिफरेंसेस होते हैं डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस के बीच में. अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद कि क्या डिटर्मिनर्स और प्रोनाउन सेम होते हैं, क्योंकि हमने प्रोनाउन वर्ड्स को भी अपने एग्जाम्पल्स में देखा है. सो हमें देखना यह है कि क्या ये दोनों सेम होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं, ठीक है. तो हम इसके लिए लिख करके समझते हैं. डिटर्मिनर्स आर यूज बिफोर a noun, whereas
pronouns are used in place of a noun. देखिए हम जब प्रोनाउंस का डिफिनीशन पढ़ते हैं तो हमने हमेशा से क्या पढ़ा है कि प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन या दे आर यूज टू रिप्लेस द नाउन. प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं? नाउन वर्ड को रिप्लेस कर देने के लिए. लेकिन डिटर्मिनर जो है ये क्या है? नाउन्स के पहले लगते हैं, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस द नाउन. वो नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं बल्कि नाउन के पहले ऐड हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि जो नाउन है दैट इज व्हाट इज अ नंबर, हाउ मेनी दे आर या हाउ मच दे आर, वो कितने हैं या फिर क्या है नंबर में. यहाँ प्रोनाउंस जो है ये क्या करते हैं? नाउन की जगह पे यूज होते हैं. इट मींस डिटर्मिनर्स आर नॉट सेम एज प्रोनाउंस. प्रोनाउंस की तरह डिटर्मिनर्स नहीं होते हैं, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं. अभी कुछ एग्जाम्पल्स इसे समझ लेते हैं. जैसे Those books are mine. ठीक है, those books are mine. इस सेंटेंस में सबसे पहले हम एक नाउन वर्ड को ही देखते हैं, सो दैट इज बुक्स. और बुक्स का एंटीसिडेंट जो है दैट इज दोज, एंड दोज इज क्वालिफाइंग हियर द वर्ड बुक्स. दैट्स वाई दिस इज द डिटरमिनर हियर इन द सेंटेंस. इट इज, ये दोज जो वर्ड है इट इज अ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑल्सो. ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है लेकिन यहाँ पे ये क्या है हमारे लिए? डिटर्मिनर है. लेकिन अगर सिर्फ हम प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें तो हम क्या एग्जांपल लिखेंगे? तो एग्जांपल लिख सकते हैं दोज आर माइन, वो मेरी है या वो मेरे हैं. वो मेरे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है वो चीज़ यहाँ नहीं बताई गई है. मे बी जैसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि हुज बुक्स आर दोज, सो द पर्सन कैन से दोज आर माइन, ऐसा बोल सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू से दोज बुक्स आर माइन, दोज आर माइन. लेकिन हमें एक्चुअली समझना यह है इस सेंटेंस में कि ये दोज जो है, हियर दिस दोज इज अ प्रोनाउन वर्ड, और यहाँ पे जो दोज है दैट इज अ डिटरमाइनर. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. My car is black in color. मेरी कार जो है वो कलर में कैसी है? ब्लैक है, मतलब ब्लैक कलर की है. यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं एक नाउन वर्ड को. देखिए ऐसे नाउन वर्ड तो यहाँ ब्लैक भी है, एक रंग का नाम है. ठीक है, कलर एक किसी चीज पर्टिकुलर चीज का नाम हो गया. कलर भी तो एक नाम ही है ना किसी चीज का, कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को रंग देती है, कलरफुल बना देती है. लेकिन हमें एक्चुअली ऐसा नाउन वर्ड ढूंढना है जिसके पहले एक डिटर्मिनर हो या फिर हम कोई और वर्ड देख सकें. जैसे यहाँ जो कलर है इसके पहले इन है, दिस इज अ प्रीपोजिशन, सो दैट कैन नेवर बी अ डिटर्मिनर. यहाँ इज लगा है, इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, इट इज़ नॉट अ डिटर्मिनर. बट यस, यहाँ कार जो है इसका, इसके जो पहले वर्ड है माई, हमने पिछले भी सेंटेंसेस में एक एग्जाम्पल में माई को देखा था. तो माई जो है यहाँ पे ये क्या है? एक डिटर्मिनर है. किसकी कार? मेरी कार. सो टूवर्ड्स हुम एम आई पॉइंटिंग, मैं किसके तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ? मेरी तरफ, मेरी कार के बारे में बात करूँगी. दैट्स वाई माई इज द डिटर्मिनर हियर. एक और सेंटेंस इसी से बनाते हैं कि माइन इज ऑफ ब्लैक कलर. ठीक है, देखिए मेरी ब्लैक कलर की है, क्या है नहीं पता. सपोज मेरा एक फ्रेंड ऐसा कहता है कि मेरी कार तो रेड कलर की है, तो मैं बोलती हूँ माइन इज ऑफ ब्लैक कलर, मेरी जो है वो ब्लैक कलर की है. इफ द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द कार, इसका मतलब है मैं भी जो सेंटेंस बोल रही हूँ वो भी कार के ही बारे में होगी. सो हियर आई हैव नॉट यूज द वर्ड कार इन दिस सेंटेंस. मैंने यहाँ इस सेंटेंस में कार वर्ड को यूज नहीं किया है, बट येस आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड कार. मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जो नाउन वर्ड यहाँ पे आना चाहिए था वो कार होना चाहिए था. ठीक है, कार के ही बारे में बात की जा रही है. अब हम ये देखते हैं कि डिटर्मिनर्स को यूज़ करने के रूल्स क्या क्या है. ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स प्रोनाउंस से कितने अलग होते हैं या उनके जैसे होते हैं,
अब हम ये देखेंगे कि डिटरमिनेंट्स को यूज करने के रूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखिए, रूल्स ऑफ डिटरमिनेंट्स में सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन, नॉट आफ्टर अ नाउन। डिटरमिनर्स जो होते हैं हमेशा इनका यूज नाउन के पहले होता है, नाउन के बाद नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है, वह एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे अ जो है देखिए इसके पहले आया है, इस नाउन फ्रेज के पहले आया है। अगर इसे मैं ऐसे चेंज कर दूँ, शी इज गुड अ गर्ल, क्या ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन सही है? डज इट गिव अ मीनिंग? नहीं, कोई सेंस नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट यूज ऑफ द डिटरमिनर अ। यहाँ पे अ जो डिटरमिनर है इसका यूज सही नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा जो रूल है वो ये है कि सेकेंड यूज बिफोर एनी modifiers used before a noun। इसका मतलब है, अगर मैं कहूँ कि इसी का एग्जाम्पल हम इसे भी रख सकते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है यूज बिफोर एनी मॉडिफायर्स यूज बिफोर अ नाउन। कोई भी मॉडिफायर जो होगा जो नाउन के पहले आता है उसके पहले हम डिटरमिनर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। देखो एक्चुअली हमारे पास जो नाउन वर्ड है वो तो है गर्ल, क्योंकि ये गुड गर्ल इज अ नाउन फ्रेज, अ गुड गर्ल ये जो है ये नाउन फ्रेज हो गया, इसलिए मैंने इसके पहले अ को बोला कि दिस इज द डिटरमिनर। अब यहाँ पे मॉडिफायर्स के बारे में हमें बताया गया है कि एडजेक्टिव्स आर द मॉडिफायर्स, दे मॉडिफाई द नाउन, वो क्या करते हैं नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ जो गुड वर्ड है दिस इज एन एडजेक्टिव वर्ड एंड इट इज मॉडिफाइंग द वर्ड गर्ल। यहाँ किसकी क्वालिटी को ये बता रहा है, गर्ल की क्वालिटी को बता रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अ मॉडिफायर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस रूल आल्सो, इस रूल का भी एग्जांपल ये हो सकता है, क्योंकि कहा ही गया है कि अगर सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, इस सेंटेंस में यहाँ नाउन है, नाउन के जस्ट पहले एक वर्ड आता है गुड, जो कि इस नाउन वर्ड को क्वालिफाई मॉडिफाई करने का काम करता है, और इसके जस्ट पहले आया है डिटरमिनर अ, आर्टिकल अ, इसलिए ये आर्टिकल अ जो है यहाँ पे ये डिटरमिनर हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब थर्ड रूल जो है वो ये है, थर्ड रूल है यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन जनरल। देखिए सिंगुलर नाउन के पहले डिटरमिनर्स का यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ एक वर्ड आप ये भी देखिए, मैंने यहाँ लिखा है जनरली। जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, मतलब सामान्य स्थिति में, सामान्य परिस्थिति में ज्यादातर अक्सर हम ये देखते हैं कि सिंगुलर जो नाउन वर्ड्स होते हैं उनके पहले डिटरमिनर्स का यूज होता है। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ही करेंगे, यू कैन यूज दिस विद प्लूरल नाउन्स आल्सो, ठीक है। और इसी का जो रूल है वो फोर्थ रूल यही है कि जनरली नॉट यूज बिफोर अ प्लूरल नाउन बट स्पेसिफिकली used। देखिए यहाँ इसका मतलब है जनरली नॉट यूज बिफोर अ प्लूरल नाउन, मतलब सामान्यतः प्लूरल नाउन के पहले इसका हम यूज नहीं करते। डिटरमिनर्स का जो यूज है वो जनरल पर्पज से, जनरली अक्सर प्रायः कॉमनली हम नहीं यूज इसका करते हैं। हम इसका यूज करते हैं हमेशा, ज्यादातर करते हैं सिंगुलर नाउन के पहले,
और प्लूरल नाउन के पहले ज्यादातर इसका यूज नहीं होता है, कम होता है। यहाँ पे लिखा मैंने बट स्पेसिफिकली यूज्ड। बट स्पेसिफिकली यूज्ड का मतलब कि जब आप स्पेसिफिकली किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि द नाउन यू आर टॉकिंग अबाउट इज प्लूरल इन नंबर एंड यू जस्ट वॉन्ट टू पॉइंट टूवर्ड्स इट, आप उसको इंडिकेट करना चाहते हैं, देन यू विल यूज द डिटर्मिनस। जैसे दोज बॉयज आर शाउटिंग, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था इसके थोड़ी देर पहले, उसमें था दोज बॉयज आर शाउटिंग, बॉयज इज प्लूरल इन नंबर और इसके पहले यूज हो गया डिटर्मिनर दोज। जैसे अ गुड बॉय, ठीक है, या फिर अ बॉय, सिर्फ अ बॉय भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। सो ये क्या करता है, इसे बताता है दिस इज द डिटर्मिनर हियर। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ दोज, एक मिनट, यहाँ इसे लिख देती हूँ दीज क्लोथ्स आर फोल्डेड, These clothes are folded. ये जो clothes हैं ये fold की जा चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ these जो है ये किसके बारे में बताता है, ये कपड़े, मतलब जो कपड़े अभी रखे हुए हैं उसने अपने सामने अपने पास में, that is plural in number, उसके लिए हमने लगा दिया these, because these is a plural form of this। तो यहाँ पे these जो है ये किसे qualify करवा रहा है, clothes को। तो these यहाँ पे क्या हो गया हमारे लिए, determiner हो गया, okay? ये चार रूल्स हैं जो हमें डिटर्मिनर्स को समझने के लिए याद रखना है, ठीक है। याद रखना है इन द सेंस कि आप जब सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको वो प्रैक्टिस से ही याद हो जाएगा, इन्हें याद ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे एग्जांपल्स बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो बनता चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरा डिस्कशन था, ये जो सेशन था, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझने में हेल्पफुल रहा होगा। और नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूँगी डिटर्मिनर्स के टाइप्स को। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए, मेरे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे।